हेलो फूडीज, वेलकम टू क्रेजिस्ट फूड कंपटीशन। मैं हूं पंकज। आज लेके आया हूं मैं एक नया कंपटीशन जो कि है मासिव इंडियन फूड ईटिंग चैलेंज। और दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पास कितनी बड़ी ट्रे भरकर इंडियन फूड है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारे पास क्या क्या है। चिली सोया चाप और मिक्स वेज और दोस्तों मसाला पनीर और ये दो समोसे, सलाद है हमारे पास और पूड़ियाँ हैं हमारे पास और ढेर सारे बासमती राइस और साथ में समोसे की खट्टी मीठी चटनी और साथ में ठंडा ठंडा पानी। और दोस्तों ये स्पीड ईटिंग चैलेंज है। इस पूरे खाने को ख़त्म करने के लिए मैंने 6 मिनट लिए हैं और कोशिश ये करूँगा ये सारा खाना 6 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूँ। और अगर मैं 6 मिनट के अंदर ख़त्म नहीं कर पाया तो मैं लूँगा आज सज़ा, और सज़ा ही लूँगा और तो कुछ नहीं लूँगा। दिवाली पे मीठा खाना खा खा कर ऐसा खाना देख के मुँह में पानी आ रहा होगा आपके, क्योंकि मेरे खुद आ रहा है। क्योंकि दिवाली को मीठा खा खा के मैं तो परेशान हो गया, मीठे के नाम से ही मतलब चिड़न सी मतलब अजीब सा मन हो जा रहा है। इसलिए मैंने सारा खाना ऐसा रखा है, तीखा और टेस्टी वाला खाना आज मज़ा ही आने वाला है। और दोस्तों आज मैं अकेला चैलेंज करूँगा क्योंकि चंदू भाई गए हैं अपने गाँव दिवाली मनाने और मैं रह गया हूँ अकेला, तो आज अकेला ही चैलेंज करूँगा। और चंदू भाई अगर तुम वीडियो को देख रहे हो तो वहीं से मन बहला लो, आज तुम्हें नहीं मिलने वाला इतना अच्छा खाना, आज मैं ही अकेला ही खाऊँगा। और ये लो। तो दोस्तों देर ना करते हुए चैलेंज शुरू करता हूँ, देखता हूँ कि अपना खाना कितनी जल्दी से जल्दी खा सकता हूँ और कोशिश यही रहेगी मतलब 6 मिनट के अंदर ही खाऊंगा मैं। 3 2 1 स्टार्ट। दोस्तों मजा आया। दोस्तों ये मसाला पनीर मैं इसी में डाल रहा हूँ अपनी, ताकि मैं जल्दी खा सकूँ।
पहले ही स्टार्टिंग से खा लो, तेज तो हो जाएगा। कोशिश तो मैंने पूरी की पर मैं 6 मिनट के अंदर खा नहीं पाया। तो दोस्तों मुझे लग रहा था कि मैं 6 मिनट के अंदर ख़त्म कर लूँगा, पर बाकी में खाना ज़्यादा हो गया था, मतलब खासकर चावल काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, नहीं कर पाया, चावल ही मैं रह गया, मैं बाकी का तो नॉर्मली ख़त्म कर ही दिया था और थोड़ा सा सलाद भी रह गया। तो दोस्तों आपको मैं प्लेट दिखाता हूँ, अपनी जो ट्रे है कितनी बड़ी है ये देखो दोस्तों, और सोचिए पूरी ट्रे ये खाने से भरी हुई थी, और खाने के साथ तो छोटी लगती है, मतलब कि काफ़ी छोटी होगी, पर आप देखो साइज इसका इतना चौड़ी लंबी। चलो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, 6 मिनट में नहीं खा पाया तो सजा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं हार गया तो सजा लूँगा, तो सजा मैंने बोला ही था कि कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी करके सजा लूँगा। तो दोस्तों सजा में मैं लेके आया हूँ रसगुल्ला, ये देख सकते हैं, इसी को खाऊंगा मैं सजा में। मैंने आपसे कहा था ना मैं टेढ़ी मेढ़ी सजा लूँगा, तो सजा में यही खाऊंगा मैं, मज़ा आ जाएगा दोस्तों आज की सजा में। तो दोस्तों देर न करते हुए सजा स्टार्ट करता हूँ अपनी, 1 मिनट मैं साथ में कुछ सजा अलग तरीके से लूँगा। साथ में दोस्तों मैं ये हरी हुई चटनी लेके आया हूँ, हरी समोसे वाली, ये समोसे की चटनी इसमें डालूँगा और उसके बाद खाऊंगा। तो आप सोच ही सकते हो ये खट्टी और मिर्च वाली चटनी और जो मीठा रसगुल्ले में मिला दिया जाए तो कैसा टेस्ट हो जाएगा, देख रहा है दोस्तों कैसा हो गया, सूंघ के ही अजीब सा लग रहा है दोस्तों। दोस्तों बन गई मेरी तो दिवाली, जी कमी रह गई थी दिवाली पे ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ खाने की, सो खा ली। तो दोस्तों इसका मैं टेस्ट क्या बताऊँ आपको, रसगुल्ले में जो चटनी डाल दी ना उससे टेस्ट ही अजीब हो गया है, जवान को भी अच्छा नहीं लग रहा है और अजीब सी जीभ भी फटी फटी सी हो गई है इस चटनी की वजह से, पता नहीं मीठा और नमकीन सा। अगर आप सोचो चाय में नमक डाल के पियो तो कैसी लगेगी चाय, दूध दूध पी रहे हो, दूध में नमक घोल दिया फिर पी रहे हो, मीठा कर दिया पहले, चीनी मिला दी फिर नमक डाल दिया एक चम्मच। अगर मैंने इतना खाना नहीं खाया होता दोस्तों तो मैं खा लेता, कोई दिक्कत नहीं होती, पर इतना सारा खाना खा लिया उसके ऊपर से टेढ़ी मेढ़ी चीज़ खा रहा हूँ तो अब क्या बोलूँ, जी अजीब सा हो रहा है, ऐसा लगता है बाहर नहीं आया कहीं खाना। दोस्तों जिवाली स्टाइल आप ट्राई ज़रूर करना, कभी भी हलवाई पर जाओ पहले रसगुल्ला लेना और थोड़ी सी हरी चटनी मिला के खाना, मज़ा आ जाएगा, मुझे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले चैलेंज में, जब तक के लिए बाय।